शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है और वो कॉलेज गए हैं, जैसे मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे जूनियर्स आए हैं और दोस्तों उन्हें टीचर के थ्रू या कोई सीनियर्स के थ्रू या फिर कहीं आप इंटरव्यू ये सब में जाते हो या फिर कहीं भी आपको इंट्रो देने की ज़रूरत पड़ी तो आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जिसको आपको ध्यान में रखकर अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तो दोस्तों इसमें आप देखिए सबसे पहले होता है इंटर। दोस्तों इंटर का मतलब जैसे ही आप मान लीजिए क्लासरूम से बाहर हैं तो आप क्लासरूम जाओगे अंदर तो किस तरह से आपको जाना है, क्या बोलकर जाना है। उसके बाद ग्रीटिंग्स हुआ तो ग्रीटिंग्स आप समझ रहे हो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब एक ग्रीटिंग्स हुए। उसके बाद दोस्तों नेम और फैमिली के बारे में, उसके बाद प्लेस के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद ब्रांच के बारे में और कॉलेज के बारे में। दोस्तों उसके बाद लाइफ का जो गोल है उसके बारे में बताना है, हॉबी बताना है और उसके बाद आपको द एंड करना है। तो दोस्तों हम बारी बारी से सबको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंटर की बात है, तो इंटर आप अगर क्लासरूम से बाहर हो और क्लासरूम में आपको अगर अंदर जाना है तो वहाँ पे आपको बोलना है मे आई कम इन सर, इसके बाद ही आपको अंदर जाना है। इसका ऐसा नहीं है कि आए और अचानक से घुस गए रूम में, तो ऐसा नहीं, क्लासरूम में करना है आपको, अंदर बोल कर आना, अगर यस बोले सर तो ही आपको जाना है। दोस्तों उसके बाद में आपको ग्रीटिंग्स की बात है, तो ग्रीटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग ये सब आपको जो जैसा भी मतलब सिचुएशन हो, अगर सुबह हो तो गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हैं, आफ्टरनून आप समझ रहे हैं दोपहर के बाद का समय, उसके बाद इवनिंग अगर शाम में आपको कोई मिल गए वहाँ पे आपको गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग विश करना हो तो आप वहाँ पे गुड इवनिंग विश करोगे। दोस्तों उसके बाद में हाय या फिर हेलो व्हाट्सएप हे ये सब आपको नहीं बोलना है, ये सब इनफॉर्मल वर्ड है जो आपको अपने दोस्त के बीच में ही चलता है, लेकिन आप कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई सीनियर या फिर कोई सर के पास अपना इंट्रो देते हो तो वहाँ पे ये सब बातों को नहीं बोलना है। दोस्तों उसके बाद में नेम का बात है, तो नेम आपको बोलना है, नेम के लिए इतने सारे मतलब जो लाइन्स हैं वो आप बोल सकते हैं, जैसे माई नेम इज, उसके बाद में जो भी नाम है आपका वो बोलेंगे, और उस तरह से आपको बोलना है आई एम, उसके बाद आपको नाम बोल देना है उसके, तो उसी तरह से दिस इज। दोस्तों दिस इज अभी चलता है मतलब बहुत कम इसका यूज है, तो आप इसका यूज ना करें तो फॉर्मली तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद माई सेल्फ, कितना स्टूडेंट बोलते हैं माई सेल्फ, जैसा उनका नाम है बोल दिए माई सेल्फ राजू कुमार, तो दोस्तों ये सब मतलब दोस्तों के बीच चल सकता है, इनफॉर्मल है। उसके बाद में यू कैन कॉल मी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं यू कैन कॉल मी राजू कुमार, तो दोस्तों यहाँ पे भी ये भी वर्ड इनफॉर्मल है, ये आपको फॉर्मली यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई टीचर्स या सीनियर्स के साथ आपको यूज नहीं करना है, ये सब इनफॉर्मल वर्ड है, तो आप सबसे अच्छा यूज करें आई एम या फिर माई नेम इज, तो ये दो सबसे अच्छे वर्ड हैं, इसे आप याद रखिए और इसे ही यूज कीजिए। दोस्तों उसके बाद में एक फैमिली का डिटेल्स देना होता है, तो फैमिली में मतलब आप शॉर्ट इंट्रो दे रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स पूछा जाता है, तो वो अलग बात है, लेकिन अभी आप कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। यहाँ सबसे पहले फादर्स नेम बोल देना है, माई फादर्स नेम इज जो भी आपका है वो बोल दीजिएगा, और हिज जॉब के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि अब जिस किन्हीं का डॉक्टर है तो लिख देंगे ही इज डॉक्टर, तो इस तरह से आपको फैमिली का इंट्रो देना है। दोस्तों उसके बाद में प्लेस के स्थान के बारे में पूछा है, तो दोस्तों स्थान के नाम जैसे बहुत सारे गांव के आदमी हैं यानी तो वो गांव का नाम लेंगे तो बहुत सारे आदमी नहीं जानेंगे, तो आपको बहुत छोटे मतलब जो एरिया है उसे कवर नहीं करना है, आपको कोई बड़ा सा एरिया कवर करना है, जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल सकते हैं, अपना मेन शहर का नाम बोल सकते हैं, तो इससे आपको आदमी जानेंगे, लेकिन आपको गाँव अगर आप बोलते हैं तो गाँव को सब समझेंगे नहीं, तो आप बोलिएगा आई लिव एट या फिर आई बिलोंग्स टू आई एम फ्रॉम, इस तरह से आप बोल सकते आई एम फ्रॉम पटना डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह से आपका चलेगा। दोस्तों उसके बाद में क्वालिफिकेशंस की बात है, तो क्वालिफिकेशंस में आपको बताना है कि आपने 10th कब पास किए, कौन से कॉलेज से पास किए और कितने स्कोर के साथ पास किए, उसके बाद में आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कब पास किया, कितने स्कोर्स के साथ पास किया और आपका वो कब पास किया, किस कॉलेज से पास किया, ये सब सारी जानकारी देना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है मैंने आई हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम, यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम देना है, फ्रॉम जो कॉलेज है उसका नाम दे दीजिए विथ अ स्कोर, और उसके बाद में इन ईयर यहाँ दे दीजिए, उसके बाद इंटरमीडिएट का है तो वो भी यहाँ पे आपको कॉलेज और स्कोर, और उसके बाद में
यहाँ पे इसी यानी कि कौन सा ईयर में आप पास कर रहे हैं वो ईयर यहाँ डाल देना है। तो इस तरह से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कॉलेज और ब्रांच का मतलब करेंटली कर देना है, तो अभी आप जिस कॉलेज में एडमिटेड हो उसका नाम दे देंगे और अपना ब्रांच का नाम बता देंगे दोस्तों। उसके बाद लाइफ का एक गोल, दोस्तों लाइफ का गोल बताना होता है इंट्रोडक्शन में कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छा सेंटेंस है वो ये वाला, आई वांट टू बी एंड जो भी आपका इच्छा हो, मतलब मैंने आईएएस ऑफिसर लिख दिया तो ऐसा नहीं कि सबका आईएएस ऑफिसर ही गोल होगा, जो आपका जो भी गोल हो उस अनुसार से आप यहाँ लिख सकते। उसके बाद में द एम ऑफ माई लाइफ ही ये भी बोल सकते, और माई गोल टू गेट सक्सेस या फिर गेट एन आईएएस ऑफिसर, मतलब जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। उसकी तरह से आपका एक हॉबी है दोस्तों, बहुत सारे आदमी का बहुत सारा हॉबी होते हैं, कुछ का एक ही हॉबी होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते जैसा होगा आप सेंटेंस में अपने ग्रामर के अनुसार यूज करोगे। माई हॉबी इज लिसन बुक या सॉरी लिसन म्यूजिक और रीड बुक, तो ये सब आपको अपने अनुसार कर लेना है। या फिर नीचे में है रीडिंग बुक इज माई हॉबी, आई लाइक टू डांसिंग, तो ये सब आपका हॉबी के अनुसार अपने अनुसार सेट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद एंड में आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि उतना छोड़ करके हम बैठ गए चुपचाप, ऐसा नहीं है, एंड में आपको बोलना है डैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू या फिर डैट्स ऑल थैंक यू, ये सब सेंटेंस आप बोल देते हो तो मतलब जो सामने वाला आदमी होगा वो समझ जाएगा कि इनका बात यहीं पर खत्म हो गया। और दोस्तों जब इतना आप बोल दोगे अगर सामने वालों को कुछ और पूछना होगा तो वो आपसे प्रश्न करेंगे, और अगर नहीं कुछ पूछना होगा आपका उनसे मतलब आपके बारे में उनका जो क्लियर व्यूज है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे और आपको सिट डाउन बोल देंगे दोस्तों। उसके बाद में मैंने देखिए इस तरह से एक जो ग्राफ है वो तैयार किया है, आप यहाँ से सेट करके अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम यहाँ नाम डाल दीजिए, माई फादर्स नेम इज यहाँ नाम डाल दीजिए, और एंड ही इज ए डॉक्टर। उसके बाद आई एम फ्रॉम अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है पटना डिस्ट्रिक्ट, और आई हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जाम फ्रॉम जो स्कूल का नाम देना है इतना। उसके बाद स्कोर 90% जिसका मतलब जो भी होगा ईयर दे देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल्स दे देना है। उसके बाद में कॉलेज का जो इंटरमीडिएट का कॉलेज है उसका दे देना है, उसका स्कोर दे देना है, और उसके बाद में कौन से ईयर में आपने पास किया वो दे देना है। उसके बाद में अभी का डिटेल्स देना है, नाउ आई एम एडमिटेड इन जो भी कॉलेज आपको अभी मिला है और जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा डिटेल्स दे देना है, ताकि आपको समझे कि ये इस ब्रांच का स्टूडेंट है और इस कॉलेज में इसका एडमिशन है। उसके बाद में आप देखिए नीचे और मिलेगा आपका गोल के बारे में, तो गोल के बारे में आपको बता देना है, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर या जो भी मतलब आपका होगा वो यहाँ क्लियर कर देंगे, और माय हॉबी इज डांसिंग। उसके बाद में डैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। उसके बाद दोस्तों देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपना खुद का एक मतलब अपने अनुसार से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप यहाँ मतलब बना लेंगे कॉपी में और उसको एक दो बार याद करके खुद से देने का कोशिश करेंगे तो आपको मतलब अच्छे लगेगा, और आप जब भी कॉलेज में कोई पूछने के लिए आ जाए तो आपको वहाँ पे उदास नहीं होना पड़ेगा या फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सब बस एक